जी इनका बनी सिंह साहब का नंबर मेल देख करके वो गुणवत्ता रिपोर्ट जो है जांच में घुसा के जो मिश्रा जी के है ना कौन सी अब देखो यार भैया रवि बाबू आगे आगे वो बोलते हो कि हो जाएगा अब 20 मकान करो नहीं उधर
चलो उधर दोस्त। बहुत अच्छी योगी जी गुरुदेव ने कि बहुत अच्छा हम लोगों को रहने के लिए आवास दिया है, बस इतना ही बोलेंगे। अभी तक कैसे रह रहे थे आप और अब किस तरीके से मिला है आवास? किराए से रह रहे थे और बहुत 5-6 बार फॉर्म डाला, जब जाके यहाँ तक आए। इसको धन्यवाद देना चाहेंगे योगी जी गुरुदेव। नीलो कहाँ की रहने वाली? भीतर को मोहल्ले के। मिला है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, शुक्र गुजार हैं मोदी जी के, उन्होंने रहने के लिए घर दिया, बहुत ज़्यादा धन्यवाद उनका करते हैं। अभी तक कैसे रह रही थी, किस तरीके की समस्याएं आप लोगों के साथ थी और आज वो समस्याएं कैसे दूर हो गई? बहुत मुश्किल पड़ी मगर अब बहुत अच्छा लग रहा है ये पाके। भारतीय ये 247 लोगों को आज एक बच्ची के माध्यम से लॉटरी निकाली जा रही और लॉटरी के हिसाब से उसको चाबी आज सौंपी जा रही है, उन लोगों को दिया जा रहा है। इसमें वहां पर पार्क की व्यवस्था है, लैट्रिन एक कमरा, लैट्रिन बाथरूम किचन सभी सुविधाएं जो हो सकता है सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा वो ये सुविधाएँ दी जा रही हैं। आसरा आवास योजना शहरी के अंतर्गत कुल 468 आवास बनने हैं, जिसमें कार्यदायी संस्था CNDS है। कार्यदायी संस्था CNDS के द्वारा 252 आवास पूर्ण कर लिए गए हैं, उनको हैंडओवर के लिए पत्र लिखा गया, जिसमें से 5 आवास पहले ही अलाट किए जा चुके हैं। आज 247 आवास अलाट किए जाने हैं। टोटल जो हमारे पात्र आवेदक हैं, जो हम लोगों ने जाँच कराई है, उसमें 256 आवेदक हैं। 256 आवेदकों में 247 आवास का लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाना है, आवंटन किया जाना है।